Let us try one problem with the various combinations of three-phase transformer. कि अगर वो स्टार स्टार में कनेक्टेड हो, डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड हो, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, इन सभी कॉम्बिनेशंस के अंदर सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज और लाइन करंट कैसा होगा। तो हमारे पास है थ्री फेस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो कि कनेक्टेड है 6600 वोल्ट से ऑन द प्राइमरी साइड, तो इसको हम बोल सकते हैं वी एल एट प्राइमरी साइड। इसके अलावा हमें दिया हुआ है टर्न्स रेशियो विच इज इक्वल टू 10 एंड लाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन, तो उस करंट को हम लिख सकते हैं आई एल ऑन द प्राइमरी साइड विच इज 25 एम्पियर्स। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज वी एल टू, वी हैव टू फाइंड सेकेंडरी लाइन करंट आई एल टू, और इसके बाद इन सब को हमें चारों कॉम्बिनेशंस में वेदर इट इज कनेक्टेड इन स्टार स्टार और कनेक्टेड इन डेल्टा डेल्टा और कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा और इन डेल्टा स्टार, ठीक है, इन सभी केसेस के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मर के लाइन वोल्टेज सेकेंडरी पर और करंट सेकेंडरी पर निकालना है। कंडीशन दी है वी हैव टू निगलेक्ट द लॉसेस, लॉसेस निगलेक्ट किए ईएमएफ और वोल्टेज सेम होते हैं। तो शुरुआत में चूंकि हमें वोल्टेजेस प्राइमरी साइड में वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट रेटेड पावर। सो रेटेड पावर वुड बी वी पी इनपुट ऑन प्राइमरी साइड इज गिवन बाय रूट 3 वी एल आई एल इन वोल्ट एम्पियर्स। तो वोल्ट एम्पियर के अंदर रूट 3 इंटू 6600 इंटू 25 एम्पियर्स इंटू 10^-3। सो दिस गिव्स अस केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एज 285.79 KVA. Okay, this is the step first finish. अब हम शुरू करते हैं पहला कनेक्शन विच इज स्टार स्टार। जब दोनों ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार स्टार में कनेक्टेड हैं, वी नो द कंडीशन कि दोनों साइड आई एल वुड बी इक्वल टू आई फेस, चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड हो, और वोल्टेज वुड बी इक्वल टू रूट 3 ऑफ वी फेस। तो हम दोनों साइड के लिए शुरुआत करें तो वी फेज, चूंकि लाइन वोल्टेज रूट 3 टाइम वी फेज है, प्राइमरी का हमें लाइन वोल्टेज दिया है, तो हम फेज वोल्टेज कैसे निकालेंगे, उसको रूट 3 से डिवाइड कर दो, 6600 बाय रूट 3 विच गिव्स अस वोल्टेज एट प्राइमरी साइड ऑन फेज 3810.15 वोल्ट्स। ओके, अब इसको यदि हमें सेकेंडरी साइड वोल्टेज को निकालना है, हमारे पास टर्न्स रेशियो दिया है 10, तो उसे डिवाइड करने पर वी कैन गेट सेकेंडरी फेज वोल्टेज एज दिस 3810.15 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस गिव्स अस सेकेंडरी फेज वोल्टेज एज 381.05। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट और इसके अलावा सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज भी, सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज के लिए हमें वी फेज को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वी टू एल वुड बी रूट 3 टाइम्स 381.05 विच गिव्स अस 660 वोल्ट ऑन द सेकेंडरी लाइन, ठीक है। अब फेज करंट और लाइन करंट बराबर होंगे, तो प्राइमरी पर जो लाइन करंट था दैट वाज 25 एम्पियर विच इज इक्वल टू फेज करंट ऑन द प्राइमरी। ओके, अब सेकेंडरी साइड के लिए हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से इस करंट को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हम सेकेंडरी साइड का करंट निकाल पाएंगे, तो आई टू फेज वुड बी 25 इंटू के दैट इज 10 250 एम्पियर्स ऑन द सेकेंडरी साइड। और इससे यदि हमें हमारे पास स्टार स्टार कनेक्शन है, तो जो करंट है वो लाइन करंट के बराबर ही होगा, तो दिस वुड बी लाइन करंट ऑल्सो। सो दिस वे फॉर फर्स्ट कनेक्शन दैट इज स्टार स्टार कनेक्शन वी हैव कैलकुलेटेड फेज वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड, लाइन वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड, लाइन करंट ऑन द सेकेंडरी साइड एंड फेज करंट ऑन द सेकेंडरी साइड, ठीक है। अब दूसरा कनेक्शन बनता है डेल्टा डेल्टा, माने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ट्रांसफॉर्मर्स डेल्टा कनेक्शन में हैं,
तो उस केस में सबसे पहले हम इसी तरह से इक्वेशन में लिख दें, रिलेशन लिख दें, हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू रूट थ्री फेज करंट एंड वोल्टेज आर सेम ऑन लाइन एंड फेज बोथ। तो दोनों ही साइड के डेल्टा कनेक्टेड हैं, दोनों पर सेम इक्वेशंस होल्ड होंगी। अब हमारे पास प्राइमरी पर जो वोल्टेज दिया हुआ है VL1 दैट इज 6600 वोल्ट, तो हमारे पास जो फेज वोल्टेज होगा प्राइमरी का वो भी सेम होगा, है ना। और V2 फेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस V1 को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिवाइड करना होगा। तो V2 फेज वुड बी 6600 डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज 10। सो दिस गिव्स अस 660 वोल्ट्स ऑन द सेकेंडरी। और चूंकि लाइन वोल्टेज भी सेम होगा तो लाइन वोल्टेज भी सेकेंडरी पर सेम मिलेगा 660 वोल्ट। अब करेंट्स का रिलेशन डेल्टा में है, फेस करंट वुड बी लाइन करंट डिवाइडेड बाय रूट थ्री। हमें लाइन करंट मिला है 25 एम्पियर, तो प्राइमरी पे फेस करंट के लिए हमें 25 को रूट थ्री से डिवाइड करना होगा, विच गिव्स अस वैल्यू ऑफ समवेयर 25 बाय रूट थ्री लेट इट बी। अब हम इसको सेकेंडरी साइड फेस करंट में डिवाइड कर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। I2 फेज वुड बी 25 बाय रूट 3 इंटू 10, ओके। एंड I2 जो लाइन करंट है दैट वुड बी रूट 3 टाइम ऑफ I फेज करंट। सो I2 पे जो लाइन करंट है दैट वुड बी रूट 3 टाइम्स I फेज। सो 25 इन डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 10। सो दिस वे लाइन करंट हम निकालते हैं 250 एम्पियर, ओके। एंड रेस्ट कैलकुलेशन कैन बी डन द सेम वे। अब हमारे पास तीसरा कनेक्शन जो हो रहा है वो है स्टार एंड डेल्टा का, माने प्राइमरी वाइंडिंग्स स्टार में कनेक्टेड है। तो उसको हम और क्लियरली लिखें तो स्टार कनेक्टेड है प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग के रिलेशंस क्या होंगे, IL वुड बी I फेज, है ना, एंड VL वुड बी रूट थ्री टाइम्स V फेज। और सेकेंडरी हमारा कनेक्टेड है डेल्टा में, तो डेल्टा में क्या रिलेशन होल्ड करते हैं, IL वुड बी रूट थ्री टाइम्स I फेज एंड द वोल्टेजेस वुड बी सेम ऑन द अदर साइड। बेस्ड ऑन दिस व्हेन वी प्लेस द वैल्यू इन ऑल दीज वी गेट द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स ऑन द सेकेंडरी साइड फॉर लाइन वैल्यूज। तो सबसे पहले वी फेज निकाल लें हम प्राइमरी साइड का, तो V1 फेज वुड बी 6600 डिवाइडेड बाय रूट 3। एंड V2 फेज के लिए जब हमें V1 फेज से दूसरे साइड जाना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय दैट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो V2 फेज वुड बी व्हाट, दिस 6600 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 10, ओके। और इसके अलावा दिस लाइन वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड वुड बी सेम एज द फेज वोल्टेज, तो ये दोनों बराबर होंगे एंड दिस कैलकुलेट्स एज 381.05 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V2 लाइन। तो लाइन वैल्यूज निकल गई। अब हम करंट की बात करें तो प्राइमरी में जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होगा एंड इट इज 25 एम्पियर्स। पर सेकेंडरी साइड के लिए हमें करंट निकालना है फेज पे, तो हमें इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो I2 फेज वुड बी 25 इंटू 10, दिस गिव्स अस 250 एम्पियर्स, ओके। तो ये सेकेंडरी साइड फेज वैल्यू है, पर सेकेंडरी इज इन डेल्टा, तो सेकेंडरी का लाइन करंट निकालने के लिए हमें इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो I2 लाइन वुड बी 250 इंटू रूट 3, विच गिव्स अस 433.01 एम्पियर। अब हमारे पास एक केस और बचता है जबकि हमारी वाइंडिंग्स डेल्टा और स्टार में कनेक्टेड हैं, डेल्टा और स्टार में। तो प्राइमरी साइड डेल्टा में हमें करंट निकालना होगा रूट 3
आई फेस से और वोल्टेज होंगे सेम, दैट इज वी एल इज इक्वल टू वी फेस. और स्टार कनेक्शन के लिए हमारे पास करंट सेम होंगे, वन 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 वन. दिस गिव्स अस क्लियर पिक्चर. एंड सेकेंडरी साइड डेल्टा स्टार कनेक्टेड है तो आई एल वुड बी इक्वल टू आई फेस एंड वी एल विल बी इक्वल टू रूट थ्री वी फेस, राइट. अब हम वैल्यूज प्लेस करें तो डेल्टा साइड से शुरू करें. वी वन प्राइमरी वुड बी वी वन फेस, प्राइमरी साइड का सेम होगा वी एल वन के 6600 वोल्ट. और जब इससे हमें सेकेंडरी साइड का फेस वोल्टेज निकालना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से इसको डिवाइड करना होगा. तो 6600 बाय 10, दिस गिव्स अस सेकेंडरी वोल्टेज एज 660 वोल्ट. पर ये फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज निकालना है. इट इज दिस ये सेकेंडरी साइड में रूट थ्री टाइम्स वी फेज. तो वी टू लाइन वुड बी रूट थ्री टाइम्स 660 वोल्ट. दिस गिव्स अस 1143.15 वोल्ट. देन करंट ऑन द प्राइमरी फेज वुड बी रूट आई एल बाय रूट थ्री. सो दिस वुड बी 25 बाय रूट थ्री, दैट इज 14.43 एम्पियर्स. नाउ दिस इज टू बी ट्रांसफर टू सेकेंडरी साइड. सो आई टू फेज वुड बी के इन टू आई वन फेज, इट इज 1444.3 एम्पियर्स. अब हमारे पास रह गया है लाइन करंट. चूंकि स्टार कनेक्टेड है सेकेंडरी तो आई टू लाइन वुड बी इक्वल टू आई टू फेज एंड दिस वुड बी सेम 144.3 एम्पियर. तो इस तरह से अगर हम पहले से ही ये जानकारी को दिमाग में रखें कि स्टार कनेक्शन में वोल्टेज और करंट का क्या रेशो है और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट का क्या रेशो है फेज और लाइन पर, तो हमारे लिए इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आसान हो जाता है.